हम सबको पता है कि ख़वातीन के बहुत सारे मसाइल हैं, माशरती मसाइल बहुत सारे हैं हमारे इलाके में। किसी भी तरक्की के मरहले को आगे बढ़ाने के लिए हमें हमारे ख़वातीन और मर्द दोनों को शाना बशाना आगे लेके चलना होगा। तो उसके लिए ख़वातीन तंजीमात हमारी बनी हुई हैं, बहुत सारे मोहल्लों में यूसीज़ में ख़वातीन मुख्तलिफ शक्लों में काम करें। उन्हीं ख़वातीन की उन्हीं मसाइल को ख़ुद ख़वातीन से हल कराने के लिए एकेएसपी के पास एकेएसपी की तरफ से खूबसूरत ग्रांट आया है, जिसमें ख़वातीन के मसाइल उसके लिए बेहतरीन तजावीज़ उनको दी जाएगी, जिनको बेहतरीन तजवीज़ उनकी तरफ से आएगी। तो बेसिकली मकसद ये कि ख़वातीन के बहुत सारे मसले, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, सिक्योरिटी हो, अनपेड चाइल्ड केयर हो, ये मसाइल वो हैं जो ना सिर्फ उनको इंफरादी तौर पर इफ़ेक्ट कर रही हैं बल्कि सोशली और एक माशरती सतह पे भी हमारा इलाका उससे मुतासिर हो रहा है। तो इन्हीं तंजीमात के थ्रू जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हमारे एक्टिव हैं, फ़ाल हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ में, कम्यूनिटी में, उन्हीं लोगों के ज़रिए हम ख़वातीन के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि ख़वातीन जितनी बाख्तियार होंगी उन्हें घर खुशहाल होंगे, इतना माशरा खुशहाल होगा। तो ये एक इनिशिएटिव था आज ओरिएंटेशन की, जिसके लिए हमने खरमा से बहुत डिफरेंट सिविल सोसाइटीज़ को यहाँ बुलाया और हमारी इनफॉर्मल जो ख़वातीन की अपनी छोटी छोटी तंजीमात थी उनको भी बहुत यहाँ पे इनवाइट किया था और बहुत ज़्यादा ख़वातीन ने शिरकत की और सवाल जवाब के ज़रिए अपने मसाइल पर बातचीत भी की और आगे के लिए तजवीज़ भी दी। तो एक अच्छा आज का सेशन रहा और हम सेशन के बाद अब मेरी ये तवक्को है कि इंशाल्लाह बहुत सारे नए आइडियाज़ हमारे पास आएंगे, जिसके बेस पर बहुत सारे अच्छे काम का जो आगाज़ होगा। तो वी आर होपफुल, थैंक यू।